साउथ अफ्रीका का यह प्लेयर न्यूजीलैंड के लिए खेलेगा। यस, आपने सही सुना कि साउथ अफ्रीका का एक जबरदस्त प्लेयर है जो कि कल खेलने वाला है एनजेड मीन्स न्यूजीलैंड के लिए। और वो प्लेयर कौन सा है, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, तो उसके बारे में बताऊंगा। और साथ ही ये बताऊंगा कि कल के मैच के लिए, कल का मैच मतलब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो T20 आई होने वाला है, उसके लिए बेस्ट प्लेयर कौन कौन से हैं। तो ये बिग अपडेट है आपके लिए कि साउथ अफ्रीका का जो प्लेयर है वो न्यूजीलैंड के लिए खेलेगा। तो चलिए सारी चीज़ों को बताऊंगा A to Z। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर मिलने वाले हैं आपको रेडियो से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और आज का वीडियो शुरू करने के पहले आपको ले चलते हैं मोबाइल की होम स्क्रीन पर, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। तो मेरे मोबाइल की होम स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पे रेडियो D3 क्लब का एप्लीकेशन है, इसे ओपन कर लेता हूँ। तो रेडियो D3 क्लब का एप्लीकेशन आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक बार ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत हेल्प हो जाएगी और आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये रेडियो D3 क्लब का एप्लीकेशन है। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी रेडियो रेफरल रंबल चल रहा है, तो उसका मैंने एक लाइव स्ट्रीम करके डायरेक्ट वीडियो बनाया है, तो आप जाओ और चेक करो, क्योंकि अगर आप रेफर करोगे तो आपको बोनस नहीं मिलेगा, रियल कैश मिलेगा, रियल डॉलर मिलेंगे, ना कि बोनस। तो उस वीडियो को ज़रूर चेक करो, बहुत ही प्रॉफिटेबल डील है अगर आप कर सकते हो तो एक बार ज़रूर चेक करना। उसकी कंडीशन क्या है मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो सैटरडे को मैंने वो वीडियो बनाया था, सैटरडे को जाके चेक करो, लास्ट सैटरडे का, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं आज के पॉइंट पर और आज के वीडियो पर। तो इसकी जानकारी के लिए हम लोग मीन्स धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि कुछ नए व्यूअर्स भी हैं, कुछ पुराने भी हैं। नए व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि रेडियो क्या है, रेडियो कैसे खेले, इसकी जानकारी के लिए मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आज का वीडियो शुरू करने के लिए मैं आ गया मार्केट प्लेस में। नीचे जो 5 ऑप्शन रहते हैं, इसमें से 4th ऑप्शन मार्केट प्लेस है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको दिखाई दे रहा हो कि रेडियो सेल कर रहा है दीपक हुड्डा का कार्ड, और बहुत सारे प्लेयर कार्ड सेल कर रहा है। तो अगर आपको भी खरीदना है तो खरीद सकते हैं। और नीचे बहुत सारे $1-1 में जैक क्रॉली से लेके और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर $1-1 में मिल रहे हैं। तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि दिन में एक बार आपको ज़रूर ओपन करना है रेडियो और मार्केट प्लेस को। जैसे ओली स्टोन को देख गया, बहुत ही अच्छा फास्ट बॉलर है और दुनिया भर की लीग खेलता है। उसके नीचे और आप आ जाओगे एंड्रू बालबिरने, ये जो कि आयरलैंड का कैप्टन है और जबरदस्त प्लेयर है। जब भी आयरलैंड का मैच होगा ये $1 में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप ज़रूर ले लें। तो अब यहाँ पर इसे समाप्त करते हैं, अब अपने टॉपिक पे चलते हैं कि कल का जो मैच होने वाला है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, या फिर ये कहें कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, उसके लिए बेस्ट प्लेयर कौन कौन से हैं, और आप लोग क्या गलती कर दोगे जिसके कारण आपको लॉस ही होगा, विन नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको डिटेल विश्लेषण दूंगा, डिटेल मतलब उन प्लेयर को बताऊंगा जिसे कोई नहीं बताता, जो कि हिडन प्लेयर है। तो चलिए इसकी जानकारी के लिए हम लोग चलते हैं ड्रीम इलेवन पर, क्योंकि आप सभी लोग ड्रीम इलेवन खेलने वाले ही हो और वहीं देख के आप टीम बनाते हो रेडियो में भी, ठीक है। तो अब मैं ड्रीम इलेवन को ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच होने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। इसमें क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे क्रिएट टीम दिखता है यहाँ पे, तो चलिए क्रिएट टीम में क्लिक कर लेता हूँ। अब क्रिएट टीम में क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब मैं केवल हिडन प्लेयर के बारे में चर्चा करूँगा, ध्यान से सुनना, हिडन प्लेयर के बारे में। इंटरनेशनल प्लेयर के बारे में तो सभी जानते हैं, डेन क्लीवर नहीं खेलेगा, जितेश शर्मा नहीं खेलेगा कल का मैच, जो कि हिडन प्लेयर हैं। इनका जिस मैच में खेलेंगे उस मैच के पहले मैं इनका वीडियो बना दूंगा कि ये प्लेयर कैसे हैं और किस पोजीशन पर बल्लेबाजी या गेंदबाजी करते हैं या विकेट कीपिंग करते हैं। अब बैटिंग सेक्शन में आते हैं। अब बैटिंग सेक्शन में आप नीचे आ जाओ, यहाँ पे जो मार्क चैपमैन है, मार्क चैपमैन जिसे केवल 5% लोगों ने लिया है, और नीचे आप बहुत सारे प्लेयर हैं जैसा कि पृथ्वी शॉ और राहुल त्रिपाठी। तो इंडियन प्लेयर के बारे में पता है लेकिन न्यूजीलैंड प्लेयर के बारे में आपको नहीं पता है।
तो मार्क चैपमैन जो है ये ऑलराउंडर है एक और सीनियर प्लेयर है न्यूजीलैंड के टीम का, लेकिन कल का जो मैच होगा ना उसके लिए मैं बताता हूँ कि मार्क चैपमैन खेलेगा या नहीं खेलेगा, डाउटफुल है। अगर 50-50% चांसेज है और इसके रिप्लेस में कौन खेल सकता है वो बताऊँगा। तो चलिए अब ये ऑलराउंडर सेक्शन है, इसमें अब अगर बात की जाए न्यूजीलैंड की और इंडिया की तो वाशिंगटन सुंदर तो इंडिया खेलेगा ही, और नीचे जो है प्लेयर इस प्लेयर के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, इसे ध्यान से सुनो, इसका नाम है माइकल रिपन। अब माइकल रिपन कौन है, माइकल रिपन के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो चलिए इसे ओपन करता हूँ, ओपन करके यहाँ पे मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखा है, माइकल रिपन कहाँ का है, लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर है। चाइनामैन बॉलर मीन्स क्या होता है, जो लेफ्ट आर्म से लेग स्पिन करते हैं उन्हें चाइनामैन बॉलर बोलते हैं, लेफ्ट आर्म से लेग स्पिन, ठीक है। ये 1991 का बर्थ डेट है और नेशनलिटी क्या है, नीदरलैंड। बट इसकी डिटेल में वीडियो और आगे बताता हूँ मैं कि ये बेस्ट प्लेयर क्यों हो सकता है कल की टीम में, कल खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो कल खेलने का जो चांसेज है 50-50 है, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो बल्लेबाजी है वो वीक हो रही है। मार्क चैपमैन जब से नेशनल टीम में आया है परफॉर्मेंस नहीं किया है, तो मार्क चैपमैन को हटा के ये एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर ले सकते हैं माइकल रिपन, जो कि सीनियर प्लेयर है और अच्छी बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी करता है। तो 50-50% चांसेज है, बट मेरे हिसाब से अगर बात की जाए तो मार्क चैपमैन नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है जब से नेशनल टीम में आया है, तो बेटर होगा कि माइकल रिपन को खिलाया जाए। चलिए अब बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, जो हिडन प्लेयर है उनके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद वो बताऊँगा साउथ अफ्रीका का कौन प्लेयर खेलेगा कल के मैच में, ठीक है। तो अभी मैं बॉलिंग सेक्शन में आ गया, बॉलिंग सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ऊपर लॉकी फर्गुसन है, इसे तो सभी ले लेंगे क्योंकि ये ऊपर है और न्यूजीलैंड का फास्ट बॉलर है, लेकिन जब नीचे जाओगे ना तो नीचे न्यूजीलैंड के सारे प्लेयर जो है ना बॉलर उनको 6 क्रेडिट और 7 क्रेडिट में दिया है, इसलिए आप लोग नहीं लेते हो, जैसा कि यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। टिकनर को केवल 24% लोगों ने, माबी को 25% लोगों ने ले लिया, डफी को 23%, सिपले को 5%। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग ऊपर नीचे के चक्कर में मत पड़ो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेस्ट प्लेयर कौन है। न्यूजीलैंड के तीनों बॉलर बहुत ही जबरदस्त हैं, ब्लेयर टिकनर, जैकब डफी, सिपले, लेकिन कल के मैच में मेरे हिसाब से सिपले खेलेगा जो कि बहुत सारा एक्सपीरियंस है, एंड जैकब डफी जो कि बहुत ही सीनियर, जैकब डफी बहुत ही सीनियर प्लेयर है, ये खेलेगा। ये तो हो गई बॉलिंग सेक्शन की जानकारी, और बॉलिंग सेक्शन में मैंने टोटल बॉलिंग और बैटिंग सेक्शन में आके 3 बेस्ट प्लेयर बताए हैं जो कि न्यूजीलैंड के हैं और हिडन हैं। इंडियन प्लेयर के बारे में तो आप लोगों को सभी को पता ही है, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। तो 3 प्लेयर कौन कौन से हैं, नंबर 1 प्लेयर है माइकल रिपन, 50-50% चांसेज है बट मेरे हिसाब से खेलना चाहिए कल का मैच, दूसरा जैकब रफी, तीसरा सिपले। अब चलते हैं कि वो साउथ अफ्रीका का कौन सा प्लेयर है जो कि कल किस में खेलेगा, कल के मैच में खेलेगा, तो उसकी जानकारी के लिए अब हम लोग चलते हैं कहां पर, डायरेक्ट चलते हैं रेडियो D3 क्लब में और इसके मार्केट प्लेस में चलते हैं, और मार्केट प्लेस में सर्च करके मैं बताता हूँ कि इस प्लेयर का प्लेयर कार्ड्स अवेलेबल है या नहीं, और किस नंबर पर बल्लेबाजी या गेंदबाजी करेगा और कैसा प्लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मार्केट प्लेस में आ गया हूँ रेडियो D3 क्लब के, और साउथ अफ्रीका का यह प्लेयर जैसा कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे माइकल रिपन, ये माइकल रिपन कहाँ का है, साउथ अफ्रीका का, लेकिन अभी मैंने जब ड्रीम इलेवन में खोला तो वहाँ पे नीदरलैंड लिखा है, वो क्यों लिखा है वो भी बताऊँगा, लेकिन पहले इसके प्लेयर कार्ड्स अवेलेबल है या नहीं उसको मैं आपको दिखा देता हूँ, और कितने डॉलर में अगर अवेलेबल है तो कितने डॉलर में इसका प्लेयर कार्ड्स मिल रहा है और ये बेस्ट प्लेयर है या नहीं। तो ये माइकल रिपन को मैंने ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक ऑलराउंडर है, ठीक है। माइकल रिपन क्या है, एक ऑलराउंडर है जो कि न्यूजीलैंड के लिए कल खेलेगा, और ये क्या है, साउथ अफ्रीका का प्लेयर है,
ना कि नीदरलैंड का, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन साउथ अफ्रीका का यह प्लेयर न्यूजीलैंड के लिए खेलेगा, यह प्लेयर है माइकल रिपन। $2 मिल रहा है, सेलेक्ट एंड बाई करेंगे तो इसका आप देख सकते हैं एक्सपी कितना है, 6% एक्सपी है। तो $2 में इसे नहीं देने वाला है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है, और आज तक नहीं ये फ्यूचर में भी न्यूजीलैंड की टीम में बना रहेगा, तो इसलिए मेरे हिसाब से लेना चाहिए, जो कि चाइना मैन बॉलर है, और चाइना मैन बॉलर हमेशा विकेट लेते ही हैं जैसा कि आपको पता है। तो अब बताता हूँ कि इस प्लेयर के बारे में और जानकारी देता हूँ मैं कि और क्या क्या जानना आपको चाहिए जो कि बेस्ट प्लेयर है। तो मैंने विकिपीडिया ओपन किया और गूगल में सर्च किया माइकल जेम्स रिपन, तो आप देख सकते हैं क्या आया है। माइकल जेम्स रिपन इज ए साउथ अफ्रीकन बॉर्न क्रिकेटर, इसका बर्थ कहाँ हुआ है, साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका में इसने डोमेस्टिक मैच खेला है। ही करंट प्लेज इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर न्यूजीलैंड, अभी न्यूजीलैंड के लिए खेलेगा ये। हैविंग प्रीवियसली ऑल्सो प्लेड फॉर द नीदरलैंड क्रिकेट टीम, ये नीदरलैंड की टीम की तरफ से खेला है, लेकिन इसने क्या किया, नीदरलैंड पहले साउथ अफ्रीका में डोमेस्टिक खेला, फिर नीदरलैंड की टीम की तरफ से खेला, नीदरलैंड के बाद ही काउंटी क्रिकेट खेला, और काउंटी क्रिकेट से इसने न्यूजीलैंड की टीम में सिलेक्शन हो गया। ही इज ए राइट हैंडेड बैट्समैन हु बॉल्स लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, बस ये गलत लिखा है यहाँ पे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डॉक्स स्पिनर नहीं है, लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलर है और राइट हैंडेड बैट्समैन है, जो कि बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी भी करता है, सीनियर प्लेयर है और आपकी टीम में जरूर जरूर होना चाहिए, लेकिन खेलने के चांसेस 50% है। और इसीलिए मैंने बोला था कि साउथ अफ्रीका का यह प्लेयर क्या करेगा, साउथ अफ्रीका का यह प्लेयर न्यूजीलैंड के लिए खेलेगा, तो आप लोग समझ गए होंगे। और यही बिग अपडेट थी जो कि कल के मैच के लिए है, जो कि कल का मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का T20। तो आप लोग रेडी हो जाओ, और अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो एक बार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।